हेलो एवरीवन, मैं अनुभवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अनुभवी क्लासेस में। आज हम यहां पे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी सजेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि क्वाड्रेंट फार्मूला क्या होता है। ये क्या है? ये सारा क्वाड्रेंट फार्मूला है, इसका यूज हम लोग को क्वेश्चन में होगा। तो जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू फाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पहले होगा फिर ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा होगा, फिर क्वाड्रेंट अगर फोर्थ होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस अल्फा होगा, या हम लोग इसको माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट फार्मूला ये सब था। चार फार्मूले होते हैं क्वाड्रेंट के, क्योंकि उसमें 4 ही सेक्शंस होते हैं तो उनके क्वाड्रेंट कितने फार्मूले होंगे? 4 क्वाड्रेंट होंगे, तो उनका हम लोग का फार्मूला का यूज होगा। तो अब क्वाड्रेंट क्या होता है ये हम लोग जान लें। इसमें हम लोग को कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में होगा या किस क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो उसमें हम लोग को कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट कैसे पहचाने। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है और इसमें क्या है कि एक साइड ये इस एक्सिस को हमने पूरा ये जो ये लाइन रहता है ऐसे पूरा यहां से लेकर यहां तक का जितना लाइन है वो हम लोग का क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा हम लोग का? एक्स एक्सिस। और जो ऐसे हम लोग का लाइन बनाए ये क्या है? हम लोग का वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। अगर इसके राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर है तो वो हम लोग का क्या होगा? ये पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा नंबर इनफाइनाइट तक होंगे। और अगर इसके ऊपर ऐसे हम लोग का जो सिर तक जाएगा, जैसे ये हम लोग का हो गया राइट हैंड, ये हम लोग का हो गया लेफ्ट हैंड, ये हम लोग का हो गया सिर के साइड का, ये हम लोग का हो गया पैर के साइड का, तो हम लोग के जो सिर के साइड का होगा वो हम लोग का क्या होगा? पॉजिटिव वाला नंबर होगा, ये वाई एक्सिस पर होगा। और अगर पैर के साइड जाने वाला जो लाइन होगा हम लोग का वो क्या होगा? वाई एक्सिस पर होगा, निगेटिव नंबर होगा। और हम लोग का लेफ्ट हैंड वाला जाने वाला क्या होगा? निगेटिव नंबर होगा लेकिन एक्स एक्सिस पर होगा। तो अब हम लोग क्वाड्रेंट कैसे जाने? तो क्वाड्रेंट को पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? पहले अपनों को जानने के लिए सबसे पहले छोटा सा हम लोग वो बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग की जो घड़ी रहती है वो जैसे 12, 1, 2, 3 ऐसे लिखा रहता है, तो वो घड़ी जो हम लोग की घड़ी की सुई होती है वो ऐसे इस साइड से घूमती है, ऐसे ही हम लोग को घूमती है। लेकिन हम लोग को क्या करना है? हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि इस घड़ी को हम लोग को उल्टा घुमाना है। तो हम लोग को ये क्या करना है? यहां से लेके ऐसे गए तो एंटी क्लॉक वाइज हम लोग को इस साइड से गिनना है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट किए हम लोग, तो क्या आया हम लोग का? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इस साइड से हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घूमे तो क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट आया। फिर इस साइड से घूमे तो थर्ड, फिर फोर्थ। तो हम लोग को क्या करना है? एंटी क्लॉक वाइज काउंट करना है। तो फर्स्ट इधर से घूमे तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे घूमने पर आया। अब हम लोग इसको जान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं कि जहां पे सारे नंबर्स पॉजिटिव में हो। तो जैसे एक्स एक्सिस को देखिए, ये पूरा ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग। इधर देखिए तो इस वाले लाइन पे भी सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और इधर देखिए तो इस लाइन वाले मतलब इस लाइन पर भी हम लोग के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर है और वाई एक्सिस पे। फिर उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज जैसे हम लोग घूमते रहे, फिर उसके बाद जब गोला बनाने लगेंगे तो इस साइड आएगा, तो इस साइड आने के बाद क्या हो गया हम लोग का? ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है? एक हम लोग का होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? दोनों साइड इसको हम लोग एक्स वाई ऐसे जानते हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हम लोग का, वाई एक्सिस हम लोग का क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई लिखते हैं। तो हम लोग क्या कर दिए? माइनस एक्स वाला लाइन हम लोग का क्या है? निगेटिव है, तो ये माइनस हो गया। वाई वाला लाइन क्या हम लोग का? पॉजिटिव हो, तो प्लस हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? एक्स वाला माइनस होना चाहिए और वाई वाला क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। अब थर्ड वाले पे आते हैं, तो थर्ड वाले पे एक्स वाला माइनस होगा और वाई वाला भी माइनस होगा। और फोर्थ पे क्या होगा? एक्स वाला प्लस होगा और वाई वाला माइनस होगा। तो हम लोग ये क्या जान गए हम लोग कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? क्वाड्रेंट जो हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो हम लोग का क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में
हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाला लाइन आया घूमने पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये वाला लाइन घूमेंगे, इस वाले सेक्शन में घूमेंगे तो हम लोग का क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर ऐसे राउंड बनाते जाएंगे तो थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो हम लोग को बस यही ध्यान देना है कि फर्स्ट में माइनस प्लस प्लस होने चाहिए, दोनों होने चाहिए प्लस प्लस, और सेकंड में माइनस प्लस यानी एक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस होना चाहिए। थर्ड में क्या होना चाहिए, दोनों माइनस होने चाहिए। और फोर्थ वाले में क्या होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक्स वाला और वाई वाला हम लोग का माइनस होना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं एक और चीज, पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म क्या होता है हम लोग का, जिसको हम लोग आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में लिख सके, उसको हम लोग क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में करते हैं। तो अब चलिए इसको, ये सब हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग का क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, और हम लोग का क्या हो गया, पोलर फॉर्म क्या होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो हम लोग का क्या है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1-2। यानी कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, हम लोग उसमें मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो पहले हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग जान लें। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस जब भी आता है तो ये जो जेड है उसको मॉड्यूलस यानी मोड में बंद कर देते हैं डब्बे में। तो जब भी डब्बे में हम लोग इसको बंद कर देते हैं तो इसके इक्वल में जितने नंबर्स होते हैं हम लोग उनका स्क्वायर करके जोड़कर उन्हें अंडर रूट में लिखते हैं। तो हम लोग करिए अंडर रूट लगाए, यहाँ पहले क्या है माइनस वन है तो इसका स्क्वायर किए, फिर प्लस। अब आयोटा है, आयोटा रियल नंबर नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर टू अंडर रूट में माइनस वन होता है, और हम लोग ये रूल भी जानते हैं कि अंडर रूट में कभी माइनस नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ रियल नंबर्स इसमें लिखने हैं। तो रियल नंबर में क्या आ गया, अंडर रूट 3 और यहाँ पे माइनस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इन लोग को स्क्वायर करते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर किए तो प्लस 1 आया, फिर अब माइनस अंडर रूट 3 का किए तो प्लस में अंडर रूट, ये माइनस का अंडर वो स्क्वायर किए तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और अंडर रूट 3 का किए तो क्या हो गया, 3 हो गया। फिर इन लोग को जोड़े तो कितना आया, 2 आया। तब आगे बढ़ते इसको हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का मॉड्यूलस आ गया, मोड ऑफ जेड आ गया, अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, अरे प्लस माइनस 2। अब हम लोग का सेकेंड स्टेप इसमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का निकालना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जेड इज इक्वल टू नहीं, 10 अल्फा क्या होता है, 10 अल्फा इज इक्वल टू, तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आई एम ब्रैकेट में जेड अपॉन में आर ई ब्रैकेट में जेड, और मोड ऑफ मोड लगा देना है। तो आई एम का क्या मतलब हो गया, इमेजिनरी नंबर, और आर ई का क्या हो गया, रियल नंबर। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में क्या करना था, फर्स्ट फॉर्म हम लोग का फर्स्ट स्टेप था कि इसको लिखना नहीं है, जब भी हम लोग पेपर में करेंगे तो ये स्टेप्स ऐसे नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिखेंगे कि मोड ऑफ जेड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मॉड्यूलस पूछा था तो मोड ऑफ जेड लिखिए, इक्वल में किए। जब भी हम लोग किसी भी मतलब नंबर्स या कह सकते हैं कि किसी भी लेटर्स पर अगर मोड का फॉर्म लगा देते हैं या मोड वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, उसके इक्वल में जितने नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करके उसको डब्बे में लिखना है। तो सारे रियल नंबर्स ही होने चाहिए, उन्हीं को लिखना है। तो हम लोग रियल नंबर्स हम लोग का क्या है, माइनस वन है, फिर माइनस अंडर रूट 3 है, तो इनका स्क्वायर किए प्लस माइनस में 2 आया। तो ये हम लोग का मोड ऑफ जेड की वैल्यू है, ये जेड है 2 नहीं है। फिर हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या था कि 10 अल्फा लिखना है, फिर उसके बाद में 10 अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी जेड और रियल जेड, यानी कि आई एम का मतलब इमेजिनरी नंबर और आर ई का मतलब रियल नंबर, और ये सारे नंबर्स जेड के लिखने हैं, यानी कि जेड हम लोग का ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर तो हम लोग जाने कि ये जो आयोटा है इमेजिनरी नंबर होता है, तो आयोटा की जगह पे जो वाला नंबर लिखा रहता है वो हम लोग को लिखना है। तो माइनस अंडर रूट 3 हम लोग को क्या करना है, माइनस अंडर रूट 3 लिखना है। तो हम लोग का इमेजिनरी नंबर क्या है, माइनस वो माइनस आयोटा अंडर रूट 3 है। तो आयोटा कभी लिखते नहीं है, जब भी मॉड्यूलस लग जाता है तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा लिखते नहीं है, लेकिन उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके साथ जो इमेजिनरी नंबर है वो लिख सकते हैं हम लोग, मतलब
अल्फा के साथ जो नंबर्स है वो लिख सकते हैं। हम लोग ये आगे यहाँ जान चुके थे कि अगर मॉड लग जाता है तो वहां पे आयोटा जैसे चीज नहीं लिखते हैं, लेकिन उसके साथ वाला नंबर तो लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, इमेजिनरी नंबर की जगह पर माइनस अंडर रूट 3 और फिर अपॉन में रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग का क्या है, -1 है, यहाँ -1 लिख दिए और मॉड वाला डब्बा बंद कर दिए। इक्वल माइनस से माइनस कट गया, फिर ये अगर डब्बे से बाहर निकलेगा तो क्या हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। तब यहाँ क्या आया, 10 अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 3। अब हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 टेन 60 की वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं। तो 10 अल्फा इक्वल टू 10 60 डिग्री, 10 से 10 कट गया, फिर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। अब इसे हम लोग को क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो हम लोग ये जान चुके हैं, हम लोग आगे वाले मतलब चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग जानते ही हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री अपॉन में 180, हमेशा 180 से डिवाइड कर देते हैं और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, फिर 6 से 18 कट गया, कितनी बार में कटा, 3 बार में। तो हम लोग का क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन में 3। तो इतना हम लोग जान गए कि अगर जब भी कभी डिग्री में दिया रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, उसे रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करते हैं कि पाई अपॉन 180 डिग्री से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हम लोग का जितना भी क्वेश्चन ज्यादातर आता है वो हम लोग को ऐसे चेंज करना होता है। तो 60 डिग्री था तो 60 डिग्री को हम लोग को रेडियन में चेंज करना था, तो किससे करना था, पाई अपॉन में 180 डिग्री से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का क्या आया, अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 3। अब अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन 3 आ गया, तो इसमें अब हम लोग का क्या है, थर्ड स्टेप हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसका। थर्ड स्टेप हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग को खोजना है कि ये किस चीज का क्वाड्रेंट है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हम लोग को पता रहेगा तभी हम लोग उसका फॉर्मूला जान पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये पहला वाला नंबर जो हम लोग का, इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं, बस मानते हैं मन में और कहीं लिखना नहीं है, हम लोग को बस ऐसे मानना है। तो जो एक्स की वैल्यू है हम लोग को क्या आई, -1 और वाई की वैल्यू क्या आई, इमेजिनरी नंबर तो हम लोग कभी लिखते ही नहीं है, बस ऐसे हम लोग लिखा है इसमें। तो हम लोग को क्या करना है, उसके साथ वाला नंबर बस लिखना है, इमेजिनरी नंबर नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयोटा हम लोग का क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो उसके साथ वाला नंबर क्या है, -√3। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि एक्स जो हम लोग का है माइनस में है, वाई जो हम लोग का है माइनस में है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि दोनों नंबर्स हम लोग के क्या होने चाहिए, एक्स वाई हम लोग के क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि एक्स वाला माइनस होना चाहिए और वाई वाला प्लस होना चाहिए। और फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए तो दोनों के दोनों, यानी कि वाई वाला भी और एक्स वाला भी हम लोग का क्या है, निगेटिव, यानी कि ये वाला कौन सा है हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम लोग का ये जान चुके, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो थर्ड हम लोग को जरूरत है क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और जानने का तरीका भी हम लोग जान चुके हैं, क्वेश्चन में देखेंगे कि ये जो हम लोग का जेड का वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग एक्स प्लस वाई मान लेते हैं और उसका फिर नंबर धीरे धीरे लिख लेते हैं कि एक्स की जगह पर मतलब ऐसे कर लेते हैं, कॉमा प्लस नहीं मानते हैं। तो x की वैल्यू हम लोग का -1 थी, फिर y की वैल्यू इमेजिनरी नंबर नहीं लिखते तो रियल नंबर तो लिख सकते हैं, तो इसके साथ रियल नंबर -√3 था। तो ये हम लोग लिख लिए, फिर उसके बाद चेक किए कि कौन सा क्वाड्रेंट है, हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में y भी प्लस माइनस होता है और x भी हम लोग का माइनस होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू -π - α। तो यहां लिख देते हम लोग कि थीटा इक्वल टू -π - α। अब अल्फा की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके थे पहले, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं थीटा इक्वल टू -π - α की वैल्यू थी π/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, थीटा इक्वल टू
माइनस इसका मल्टीप्लाई पाई के साथ किया तो क्या आया 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3। फ्रैक्शन वाला हम लोग प्लस माइनस तो जानते हैं, तो वैसे ही करना हम लोग इसको। अब 3 पाई में से हम लोग पाई घटाए तो क्या आया 2 पाई अपॉन में 3। अब बाहर माइनस था तो इसको अंदर मिला देते हम लोग, तो क्या आया आंसर हम लोग का माइनस 2 पाई अपॉन में 3। तो अब हम लोग को क्या निकालना था, पहले मॉड्यूलस निकालना था हम लोग को, तो मॉड्यूलस हम लोग का क्या आया प्लस माइनस 2। और फिर उसके बाद हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का क्या आया माइनस 2 पाई अपॉन में 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हम लोग। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जेड इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या करना है, आप लोग को ये लिखना नहीं है फर्स्ट स्टेप, बस ऐसे मन में मानना है कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये समझने के लिए है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना था कि मॉड्यूलस, उसमें मॉड्यूलस पूछा था, यानी कि जेड के इक्वल में हम लोग को क्या करना है मॉड का ब्रैकेट लगाना है। मॉड का ब्रैकेट एकदम सीधा लाइन होता है, तो मॉड का ब्रैकेट लगाए। अब उसका क्या मतलब है, मॉड का ब्रैकेट अगर लगाते हैं तो उसमें जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ देते हैं अंडर रूट में। तो अंडर रूट लगाए, अब हम रियल नंबर एक पहला नंबर हम लोग का क्या है माइनस अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर किए फिर प्लस आयोटा है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि अंडर रूट में रियल नंबर लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर नहीं लिखते। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी आयोटा ही आएगा, तो वन यहाँ हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करते हैं, मोड ऑफ जेड की वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस आ जाता है, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर किए तो 3 आ गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर किए तो मतलब 1 आ गया, फिर मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया हम लोग का 4, फिर मोड ऑफ जेड स्क्वायर टू 4 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो हम लोग का क्या आ गया, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 आ गया, यानी प्लस माइनस 2। अब हम लोग का सेकेंड स्टेप लिखना है, तो सेकेंड स्टेप के लिए हम लोग क्या करते थे 10 अल्फा इक्वल टू मॉड का हम लोग को वो करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो क्वेश्चन में हम लोग का क्या है मॉड्यूलस ही निकालना है, तो सब चीज में मोड ही ज्यादातर लगाना है। फिर आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, आर ई यानी रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर हम लोग का क्या है, इमेजिनरी नंबर आयोटा होता है, आयोटा के साथ 1 है, तो इमेजिनरी नंबर की जगह पे हम लोग 1 लिखे। फिर रियल नंबर क्या है माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 और फिर ये लगा दिए। अब इन चीजों का हम लोग एक बात जान सकते हैं कि अगर मॉड का डब्बा लग जाता है या उसका ब्रैकेट लग जाता है तो उसके अंदर जितना भी चाहे जितना भी माइनस रहे हम लोग अगर उसको बाहर लिखेंगे तो वो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आ गया। क्या होता है अगर मॉड का डब्बा लग गया तो अगर उसको उस नंबर को बाहर निकालेंगे तो उसमें चाहे जितना भी माइनस लगा रहे वो पॉजिटिव हो जाता है, वो प्लस में आ जाता है। तो हम लोग का क्या हुआ 10 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 3। अब 10 अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री की, हम लोग ये 10th में पढ़ चुके हैं, तो 10 30 डिग्री आती है, 10 से 10 कट गया क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिग्री में कहीं लिखते नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते थे 30 इंटू पाई अपॉन में 180 डिग्री, 0 से 0 कट हो गया, 3 से 18 कट हो गया 6 बार में, तो अल्फा इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया पाई अपॉन में 6। अब पाई अपॉन में 6 हम लोग की अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग को क्या करना है थर्ड स्टेप हम लोग का क्वाड्रेंट को ढूंढना है। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसको ऐसे लेट कर लेते हैं एक्स वाई में करिए। अब एक्स की वैल्यू क्या है माइनस अंडर रूट 3 और वाई की वैल्यू क्या है इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर नहीं लिखते 1 लिखते हैं। तो ये एक्स क्या है माइनस में है और वाई क्या है पॉजिटिव में है। तो हम लोग इधर देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट वाले में हम लोग को क्या था कि
प्लस माइनस, अरे प्लस प्लस में होना चाहिए दोनों। फिर सेकंड में क्या था, माइनस और प्लस में होना चाहिए, यानी कि हम लोग का ये वाला क्या है, एक्स वाला क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, और वाई वाला क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट जो है हम लोग का ये होगा, क्योंकि एक्स जो हम लोग का माइनस में है और वाई जो हम लोग का प्लस में है, यानी कि ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब पाई हम लोग यहां पैसे लिखे रहेंगे, अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, तो पाई अपॉन में सिक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिक्स का मल्टीप्लाई उधर किया तो सिक्स पाई माइनस पाई अपॉन में अपॉन में सिक्स। तो अब क्या हो गया हम लोग का, सिक्स पाई में से एक पाई घटाए तो क्या आ गया फाइव पाई अपॉन में सिक्स। तो हम लोग का क्या आ गया, जेड की वैल्यू आ गई हम लोग की मॉड ऑफ जेड की प्लस माइनस टू, और फिर हम लोग का क्या आ गया क्वाड्रेंट का वो आ गया हम लोग का पाई अपॉन फाइव पाई अपॉन में सिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवेन इन एक्सरसाइजेस 3, 2, 8 इन द पोलर फॉर्म। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, हम लोग आगे वाले में जान चुके थे कि हम लोग का पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म का मतलब होता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है, ऐसे ये लिखना नहीं है, बस ऐसे हम लोग को मन सोचना है कि हम लोग को पहला हम लोग का स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है कंपेयर करना, यानी कि पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। तो हम लोग को कंपेयर करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले आर को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो अब हम लोग को पहले क्या करना है, इन लोग का कंपेयर करना। तो पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा है, तो अब क्या करते हैं आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग वन लिखेंगे, फिर आर आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे माइनस आयोटा लिखेंगे। फिर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा वाले को, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि आर इंटू आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू आयोटा इंटू माइनस वन, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो आयोटा से आयोटा हम लोग का क्या हो गया कट हो गया, तो क्या हो गया आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन। कंपेयर करने पे क्या आया, आर कॉस थीटा की वैल्यू वन आई और फिर आर साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन आई। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों की साइड स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे आर स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। अब ये बताते कैसे हुआ, हम लोग का ये हम लोग जानते हैं कि r cos थीटा है, फिर r आयोटा साइन थीटा है, तो हम लोग को क्या करना है इसका पूरे का हम लोग को क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है। तो हम लोग इसका स्क्वायर की r cos थीटा आ गया, फिर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गया, फिर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसका हम लोग किए तो आ गया हम लोग का। फिर हम लोग जानते हैं r cos थीटा इक्वल टू क्या था, वन था, तो r cos थीटा की जगह पर हम लोग वन लिखे। फिर जानते हैं कि आर साइन थीटा की वैल्यू क्या हम लोग निकाले थे माइनस वन, तो उसकी जगह पे हम लोग माइनस वन लिखे, और बीच में प्लस का निशान था तो बीच में प्लस का निशान लगाए। अब क्या करेंगे, आर दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब वन का स्क्वायर किए तो वन आया, प्लस माइनस वन का स्क्वायर किए तो वन आया। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन आती है, और इन दोनों को जोड़े तो टू आया। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आर स्क्वायर के साथ कर देंगे तो आर स्क्वायर ही आएगा, टू आ गया। फिर आर का स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट टू, मतलब स्क्वायर को इस साइड लेकर गए तो ये अंडर रूट टू में हो गया। तो ये हम लोग का कैसे हुआ,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है उसकी मदद से किए, क्योंकि हम लोग ये टेंथ में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या था, पहले पोलर फॉर्म लिख लेते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है पोलर फॉर्म निकालने के लिए। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग का कंपेयर करना। तो आर का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए तो हम लोग का क्या हो गया, आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल में करते हैं। तो इक्वल करने के लिए ये जेड की वैल्यू, इसको हम जेड मानते हैं, तो जेड की वैल्यू हम लोग क्या है, वन माइनस आयोटा। तो अब कंपेयर करने के लिए पहले आर कॉस थीटा का हम लोग कंपेयर किए वन के साथ, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू वन आ गया। फिर आर आयोटा साइन थीटा की हम लोग कंपेयर किए माइनस आयोटा के साथ, तो आर आयोटा साइन थीटा इक्वल टू माइनस आयोटा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके बीच में मल्टीप्लाई करने साइन लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आर इंटू आयोटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू आयोटा इंटू माइनस वन। अब माइनस आयोटा था तो माइनस वन को अगर निकाल देंगे तो आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा दोनों साइड है, तो आयोटा से आयोटा कट हो गया। तो क्या आ गया हम लोग का, आर साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन। अब हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या है, ये हम लोग का क्या है, सेकेंड स्टेप है। तो हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या है कि इन दोनों की साइड पे हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर कर लेना। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनका इन दोनों का स्क्वायर किए थे हम लोग, तो क्या आया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग की क्या है, आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी हम लोग का, वन आया था। तो यहाँ पे हम लोग वन का स्क्वायर कर लिए। फिर आर स्क्वायर आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर किए थे तो क्या आया था, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस वन का स्क्वायर। तो इन लोग का स्क्वायर किए तो यहाँ वन आया, माइनस वन का स्क्वायर किए तो वन आया। फिर इन लोग का, इन लोग में क्या था, आर स्क्वायर कॉमन था तो कॉमन ले लिए, फिर ब्रैकेट बना लिए, फिर ये दोनों ऐसे ही लिखे रहेंगे। फिर हम लोग ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो वन लिखे यहाँ पे, फिर वन का मल्टीप्लाई आर के साथ किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर ही आएगा। तो आर स्क्वायर लिखे, फिर इन दोनों को जोड़ दिए थे तो क्या आया, टू आया। तो आर स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में टू हो गया। अब हम लोग का थर्ड स्टेप क्या है, वही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था कि हम लोग थीटा निकालने के लिए क्या करते थे, जेड को टैन अल्फा इक्वल टू क्या करते थे, मॉड में इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर अपॉन में लिखते थे। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग का क्या था, माइनस आयोटा। तो अब हम लोग जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर आयोटा हम लोग लिखते नहीं है, तो आयोटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वन अपॉन में। अब रियल नंबर हम लोग का क्या है, वन है, अपॉन में वन, मॉड का डब्बा लगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो भी नंबर मॉड के डब्बे में माइनस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वन में लिख दिए। हम लोग का टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू वन है, और वन की वैल्यू क्या होती है, मतलब वन हम लोग का टेन में कितनी बार में आता है, टेन फोर्टी फाइव डिग्री में, 1045 डिग्री में हम लोग का क्या आता है, 1 आता है। तो 10 से 10 कट गया, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसे रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते थे, 45 इंटू पाई अपॉन में 180 डिग्री। अब इसे काटेंगे, 5 बार में काटे तो ये 9 बार में कटेगा 5 से, और इसको 5 से काटे तो क्या आया, 3 आया, और फिर बाद में यहाँ पे 3 आया, फिर इसमें किए तो 6 आया। फिर 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो हम लोग का क्या आ गया, पाई अपॉन में 4, यानी कि अल्फा इक्वल टू हम लोग का क्या है, पाई अपॉन में 4। अब हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेंट निकालना है। हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या होगा, क्वाड्रेंट निकालना। अब क्वाड्रेंट निकालना है तो हम लोग जानते ही है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमा वाई में मानते हैं। वन क्या है, एक्स क्या है, वन है, y क्या है, माइनस वन है। इमेजिनरी नंबर तो लिखते नहीं है तो रियल नंबर लिखेंगे, तो माइनस वन आ गया हम लोग का। तो x क्या है, हम लोग का प्लस में है, और y क्या है, हम लोग का माइनस में। तो हम लोग को क्या क्वाड्रेंट हम लोग निकाले थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों प्लस में होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है हम लोग का कि x वाला माइनस में होगा, y वाला प्लस में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों माइनस में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था कि x वाला प्लस होगा और y वाला माइनस होगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जो एकदम सेम टू सेम इसकी तरह है कि x वाला जो है प्लस है और y वाला क्या हम लोग का
माइनस है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा कि हम लोग का क्या है, x वाला प्लस में है, y वाला माइनस में, तो क्या हो गया हम लोग का ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस अल्फा, या फिर कर सकते हैं माइनस अल्फा हम लोग कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, 2π माइनस अल्फा या फिर माइनस अल्फा। तो अब 2π अल्फा की जगह पे क्या करना है हम लोग को, पाई अपॉन में 4 लिखना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π माइनस π अपॉन में 4 यानी कि आ गया 7π अपॉन में 4। और माइनस अल्फा की जगह पे हम लोग दो इसकी वैल्यू मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में दो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग की जो मर्जी होगी, हम लोग को ये लगाना है तो ये लगाएंगे, ये लगाना है तो ये लगाएंगे। तो पहला वाला हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब इसमें माइनस अल्फा करना था, तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा का वैल्यू हम लोग अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, तो क्या हो गया माइनस पाई अपॉन में 4 आ गया। तो हम लोग का क्या ये वैल्यू आ गया, सारा थीटा का आ गया। तो अब हम लोग को पोलर फॉर्म निकालना है, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, पोलर फॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आर कॉस थीटा प्लस साइन आयोटा थीटा, या आयोटा आगे लगा देते हैं, यहां नहीं लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं, आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आया है, अंडर रूट 2 आया है। और फिर उसके बाद हम लोग का क्या आया है, थीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस पाई अपॉन 4, और एक 7π/4 आई है। तो हम लोग इसको यहाँ रख सकते हैं, r की वैल्यू क्या आई थी, r की जगह पे अंडर रूट 2 लिख देते क्योंकि r की वैल्यू अंडर रूट 2 आई थी। फिर cos का cos ही रहेगा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या निकाले थे, 7π/4, और एक निकाले थे -π/4। तो -π/4 जो है वो छोटा है 7π/4 से, तो उसको लिख लेते हैं। फिलहाल हम लोग दोनों लिख सकते हैं, -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, -π/4 ब्रैकेट क्लोज। या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 2 थी, कॉस ऐसे ही लिखा रहेगा, थीटा की जगह पे क्या था 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।